वेलकम बैक टू माई चैनल वेट तनु। सो यहाँ पे आपकी EMRS के फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी हो रहे थे। EMRS अगर आपको नहीं पता है तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है। ये एक सेंटर लेवल की आपकी वैकेंसी है, जैसे कि आपका KVS होता है केंद्रीय विद्यालय सेंटर लेवल का, वैसे यहाँ पे ये भी क्या है आपकी EMRS सेंटर लेवल की वैकेंसी है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि उन्हीं की तरफ से वैकेंसी आती है, तो काफी अच्छी वैकेंसी। अगर आपने इसका फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप दोबारा से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे वो टीचिंग हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रुप सी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। तो नॉन टीचिंग के लिए आपको चार ऑप्शंस है, जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, लैब अटेंडेंट है एंड हॉस्टल वार्डन है। जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट की पोस्ट आपकी है 759 पोस्ट है, अकाउंटेंट की 361 है, लैब अटेंडेंट की आपकी 373 है एंड हॉस्टल वार्डन जो आपका बहुत ही ज्यादा आपको फेमस सुनने को मिल रहा था, बहुत लोग इसका फॉर्म फिल नहीं भी कर पाए थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था, तो 669 थे। इसके फॉर्म फिलिंग बहुत ज्यादा कम हुए थे, तो आप चाहते हैं अगर फिल करना तो आप इसको जल्द से जल्द फिल कर दीजिए क्योंकि इसकी डेट अभी एक्सटेंड हो चुकी है। फॉर्म फिलिंग की एक्सटेंड क्या बंद हो चुकी थी, दोबारा फिर से आई हुई है, ठीक है, तो एक तरीके से एक्सटेंड हुई है। एलिजिबिलिटी में अगर आपको बताऊं, ऑलरेडी मैंने EMRS से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई थी तो मैं आपको वो भी एक बार डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जूनियर सेक्रेटरीएट असिस्टेंट का यहाँ पे जो मैंने आपको बताया उसका एलिजिबिलिटी क्या क्या इन्होंने मांगा है। अगर आप 12th पास है और आपकी एज जो है 18 to 30 है, वो भी जनरल वालों की, UR वालों की बता रही हूँ, और रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी में आपके मिलते रहते हैं आपको, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 12th पास जो है उनके वो क्या फिल कर सकते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म। अकाउंटेंट जो भी बहुत ज्यादा लोगों को अच्छा भी लगता है अगर ये उनकी जॉब अगर उसमें लग जाए तो आपका ग्रेजुएशन कोई भी मतलब कॉमर्स में होना चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है। और इसमें भी आपकी एज लिमिट मांगी गई 18 to 30 ईयर्स तक होनी चाहिए आपकी UR के लिए। नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट जो भी 12th में साइंस लेके पढ़े थे, जो भी बच्चे 12th में साइंस लेके पढ़े हुए हैं या तो 10th उन्होंने किया है और साथ ही साथ डिप्लोमा किया हुआ है और उनकी एज 18 to 30 ईयर्स तक है, तो वो लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आता है हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है चाहे वो BSc हो चाहे वो BCom हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, बट आपने किया हुआ हो, BA किया हो, कोई भी ग्रेजुएशन किया और आपकी एज 18 to 35 ईयर्स है जनरल वालों की, मैं बता रही हूँ यहाँ पे आपको, सो कॉमन जनरल वालों का ये लेके चलते हैं। इसके बाद जो भी अदर कैटेगरी होती है उनके लिए रिलैक्सेशन मिलता ही है आपको, तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको मिलता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन हो तो हॉस्टल वार्डन के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। हॉस्टल वार्डन का मैंने आपको यहाँ पे सारा का सारा क्राइटेरिया बताया हुआ था कि सिलेबस क्या क्या वो पूछेंगे, एग्जाम पैटर्न से लेकर के सारी चीजें। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट डेट की अगर बात करें, सो यहाँ पे लास्ट डेट आपको कुछ ही दिनों का टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट डेट आपकी है 19th of October 2023, तो यही 19 अक्टूबर तक ही आप फॉर्म फिल होगा। आज आपको ऑलरेडी 15 हो ही चुका है तो ज्यादा दिनों का एक तरीके से टाइम तो नहीं है, बट हाँ तब भी आपके पास कुछ दिन का टाइम है तो इसको आप फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर दीजिए। अगर इसकी फॉर्म फीस का बात करें तो ये सारी जो नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी है, नॉन टेक्निकल नॉन टीचिंग वाली वैकेंसी जिसे हम नॉन टीचिंग कह सकते हैं, तो चाहे वो जनरल हो, OBC हो, चाहे वो EWS वाले हो, सबके लिए 1000 रुपीज फीस लग रही है। जितनी फीस पहले थी उतनी फीस अभी भी लग रही है और बहुत लोग इसको फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे क्योंकि यहाँ पे फॉर्म फिलिंग बंद हो चुकी थी तो बहुत लोग ने नहीं फिल कर पाए थे ये। एंड SC ST और फिजिकली हैंडीकैप की बात करें तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, तो जीरो है, नॉन एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए, 1000 रुपीज यहाँ लगेंगे। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चारों के लिए एलिजिबल है एक तरीके से। अगर आपने कॉमर्स से भी किया हुआ है आपने नॉन, तो आप इससे भी फिल कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल आप सारी चीजों के लिए फिल कर सकते हो, इससे इसके 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 भी लिए भी, तो आपको 4000 रुपए देने पड़ेंगे। बट एक चीज और है, यहाँ पे क्या एक ही दिन सारा एग्जाम होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, अलग अलग दिन आपको एग्जाम होगा, भले ही वो एक दिन के गैप में हो चाहे वो लगातार दिनों में हो, चारों दिन एक बैक टू बैक हो, बट एक दिन में एक एग्जाम ही होगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से है आपका ये चीज,
अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. बाय बाय.